महाराज, भगवान राम का जन्म और भगवान कृष्ण का जन्म, कई लोग पूछते हैं जन्म हो सकता है कि नहीं भगवान का? क्यों नहीं हो सकता? इफ ही इज ऑल माइटी, अगर वो ऑल माइटी है तो क्या नहीं कर सकते? ऐसे मूर्ति पूजा के संबंध में अगर उस वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसका नूर जर्रे जर्रे में मौजूद है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? प्रश्न है। अगर वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, धूल धूल में है, हवा में है, एवरीवेयर है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? तो ये भी मूर्खता लगता है कि मूर्ति में नहीं रहते। भारत को अज्ञानता ले डूबी, कोई एक नहीं, सब ऐसे ही है। अंधों में कोई एकाक काना राजा आए तो बात बने, सब तो अंधे हैं ही धृतराष्ट्र की तरह, एकाक काने आ जाए तो बात बन जाए। आंख वालों की तो चिंता मत, आंख वाले तो है ही नहीं, मामला खत्म है, बस कानों से चलेगा अब राज। सभी प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब तुम्हारे पास होने चाहिए। एक साधारण से स्कूल के पहली क्लास को पास करने में 1 ईयर, दूसरी में 1 ईयर, तीसरी में 1 ईयर, हाई स्कूल में 2 ईयर, जो केवल शरीर की विद्या, पैसा कमाने की विद्या सिखाती है, इतने पैसा और पढ़ाई के बाद भी आत्महत्या न करें, वो विद्या किसी सदगुरु के द्वार पर मिलती है, जीवन की विद्या। उस जीवन की विद्या के लिए भी समय देना जरूरी है, केवल जीविका की विद्या के लिए पशुओं के लिए मत लगे रहो। कितना कमाओगे, कहां तक कमाओगे? कमाओ, पर जीविका की विद्या तो मिल गई, जीवन की विद्या कौन देगा? विद्या का अर्थ हमारे शास्त्रों में है, सा विद्या या विमुक्त यही। विद्या किसे कहते हैं? बोला जो मुक्ति प्रदान करता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी, फ्री, फ्रीडम, लिबर्टी। बाहवारे मौज फकीर आदि, कभी तो रहते महिला बीचा, कभी रहते जमुना तीराजी, बाहवारे मौज फकीर आदि। कभी तो खावे हलवा पूड़ी, कभी गाजर और खीरा जी, बाहवारे मौज फकीर आदि। ये फकीरों की मौज है। तो ये फ्रीडम चाहिए जिंदगी में, इसी को बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष, सेल्वेशन, लिबरेशन भी इसी को कहते हैं, लिबर्टी। इंग्लिश के पास वर्ड बहुत कम है, हमारे पास सूर्य के लिए 250 शब्द हैं, सूर्य 250, अंग्रेजों के पास एक ही है सन, SUN। बड़े गरीब हैं बेचारे, अंग्रेजी से गरीब भाषा तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, बहुत गरीब है। कोई एक अच्छा हिंदुस्तानी फर्राटेदार हिंदी और संस्कृत बोलने लगे तो अंग्रेज घुटने पे गिर जाएगा, पर हम ही अपने आप को बेच चुके हैं उनके हाथों। तो नैरेटिव चेंज करो, परसेप्शन चेंज करो। एक गलत नैरेटिव में तुम्हारे देश में तुम्हें डिमोरलाइज बना कर दिया है, तुम्हारे गरिमा को, गवेषणा को गिरा दिया है, तुम्हारे बच्चे पाश्चात्य होते जा रहे हैं। तुम अपनी संस्कृति का सम्मान करो।